हर हर महादेव, जय श्री शंभु। सावन का आज सोमवार का प्रथम दिन है, ऐसे में हम सभी व्रत में हैं। मन में आ रहा है क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। अखंड सुहाग का व्रत, यह धन धान्य सौभाग्य पुत्र जो आप चाहें वह इस व्रत के प्रताप से पा सकते हैं। ऐसे में कुछ नियम होते हैं व्रत में, तो आप सभी को भी उनका पालन करना ही चाहिए। तो कई अनजान होते हैं कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं। सबसे पहले पूरे दिन में चाय पानी फल इत्यादि लिए जा सकते हैं। व्रत पूजा इत्यादि के बाद आप चाहें तो पूजा से पहले भी चाय या पानी पी सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। शिव पुराण में भी इस व्रत का वर्णन मिलता है, साथ ही जो कथाएं मिलती है बड़े बूढ़ों से हमने यह बात सुनी है। साथ ही इस व्रत के नियम जानते हैं तो उन सभी को पता है कि इस व्रत में चाय पानी पी सकते हैं, फल ग्रहण कर सकते हैं, सूखे मेवे इत्यादि ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। परंतु शाम के समय में जब आप भगवान को भोग लगाएंगे तो शाम के समय में भी नमक पूर्ण रूप से इस व्रत में वर्जित माना जाता है। यह कहानी में भी वर्णित है। साथ ही सोमवार के व्रत में नमक नहीं खाया जाता, इस बात का आप सभी को ध्यान रखना होगा। तो आवश्यक रूप से शाम के समय में कुछ मीठा ही बनाएं, जिसमें हो सकता है आप हलवा बना लें या पूरी बना लीजिए, या जो है सेंधा नमक यूज़ किया जा सकता है। जो खाने जो व्रत में खाने का नमक आता है आप सभी उस जानते होंगे, वह जो है खाया जा सकता है। परंतु इस व्रत के नियम होते हैं कि इस व्रत में नमक नहीं खाया जाता, जहां अन्य व्रतों में नमक खा के जो है व्रत खोल लिया जाता है, परंतु सोमवार के व्रत में कभी भी नमक नहीं खाया जाता, इस बात का आप सभी को ध्यान रखना होगा। कुछ ऐसी वस्तुएं जो आपका पेट पूर्ण रूप से भर सके, चाहे तो आप फलाहार ही ले सकते हैं। मैं तो यही कहूंगी कि सप्ताह भर में एक बार हम व्रत करते हैं तो क्यों ना इस दिन फलाहार लेकर ही व्रत खोला जाए। आप चाहें तो कुछ कट्टू के आटे का भी बना सकते हैं या कुछ इस तरह से भोजन ग्रहण कर सकते हैं। मन में कोई सवाल हो जरूर पूछिए। हर हर महादेव, जय श्री शंभू।